Good morning students, today we are going to start our next chapter, chapter number 11, water in our lips. Water in our lips, के हमारे lips के रहने के लिए पानी की कितनी need है, वो सभी इस chapter में हम study करेंगे. Let's start, all living things need water to live and grow. के जो सभी living things हैं, जैसे हम हैं, plants हैं, animals हैं, सभी को किसकी need होती है रहने के लिए? वाटर की. एंड किस में? ग्रो करने के लिए भी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, जानवरों के. वाटर फॉर प्लांट्स, पहले हम स्टडी करेंगे कि जो प्लांट को कैसे नीड होती है वाटर की, क्या हो जाता है अगर हम उसको नहीं वाटर दें. प्लांट्स यूज वाटर, सनलाइट एंड एयर टू मेक देयर फूड. जो प्लांट है वो अपना फूड बनाने के लिए, क्योंकि ये इट मेक देयर फूड ऑन, तो अपना फूड बनाने के लिए उसे किसकी नीड होती है? वाटर की, सनलाइट मीन सूरज की रोशनी की, एंड एयर मीन्स हवा की ज़रूरत है उसको. हाउएवर नॉट ऑल प्लांट्स नीड द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, कि यह जरूरी नहीं कि सभी प्लांट्स को एक जैसा ही पानी चाहिए, किसी को कम की नीड होती है, किसी को ज़्यादा की होती है. सम प्लांट्स सच एज कैक्टी, कीकर एंड डेट पाम्स कैन लिव ऑन वेरी लिटिल वाटर. जो ये सभी प्लांट्स हैं, जो किस में, जैसे कौन से हो गए, कैक्टी जिस वो कंडियाले वाला जो होता है, कीकर हो गई, डेट पाम्स हो गए, ये क्या है बेटा कि इनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, इन्हें ज़्यादा नहीं है वाटर की नीड नहीं है, ये कम पानी से ही ग्रो कर लेते हैं. टी, मनी प्लांट एंड राइस नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो. जो टी है, चाय का पौधा है, मनी प्लांट है, जो बहुत बच्चों ने देखा होगा कहीं के घर पे होगा, तो उसे कितने वाटर की लोट होती है, लॉट ऑफ. एंड राइस नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो. एंड किसको नीड होती है? राइस मीन चावल, जो झोना होता है, उसको भी बहुत पानी की क्या होती है, ज़रूरत होती है, नीड होती है. व्हेन प्लांट्स डू नॉट गेट इनफ वाटर दे ड्रूप और विल्ट. जब प्लांट्स को ज़्यादा, जितना एनफ मीन जितने उसे पानी की ज़रूरत है उतना नहीं मिलता, तो वो क्या हो जाता है, दे ड्रूप. ड्रूप मीन्स वो बेंड हो जाता है, जैसे टेढ़ा सा हो गया, मुरझा गया. और विल्ट मीन्स क्या है कि वो क्या कर देता है, सूख जाता है. जब हम किसी प्लांट में पानी नहीं डालेंगे तो वो ऑब्वियसली है कि वो सूखेगा, ड्राई होएगा. नेक्स्ट, अब हमने किसके बारे में स्टडी किया था, वाटर फॉर प्लांट्स. अब किसके बारे में स्टडी करेंगे, नाउ वी स्टडी अबाउट वाटर फॉर एनिमल्स, के जो वाटर है वो एनिमल्स के लिए उसकी कितनी नीड है. एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ. जो एनिमल्स हैं उनको वाटर की ज़रूरत क्यों होती है, किसके लिए होती है, पीने के लिए. ड्रिंक एंड बाथ मीन्स नहाने के लिए. रैटल स्नेक्स एंड कैमल्स नीड लेस वाटर. जो रैटल स्नेक्स हैं, जो कैमल है, उसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है. क्यों कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा पंजाबी के चैप्टर में आपने रीड आउट किया है कि जो कैमल है वो अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है, उसे बहुत फिर लॉन्ग पीरियड तक पानी की ज़रूरत नहीं होती. कैमल्स कैन स्टे विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड. जो कैमल है, ऊँट है, उसे बहुत टाइम वो विदाउट वाटर मीन्स पानी के बिना रह सकता है. एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स नीड लिटल वाटर. जो एनिमल्स कोल्ड रीजन्स मीन्स क्या है, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जो जानवर, जो एनिमल्स, उन्हें लिटिल वाटर मीन्स कम पानी की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज, दिस इज बिकॉज दे आर इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर्स एंड स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, विंटर में इनएक्टिव हो जाते हैं और बहुत टाइम के लिए वो क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए सो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड हिबरनेशन. उसे क्या बोलते हैं, हिबरनेशन बोलते हैं. एनिमल्स दैट लिव इन हॉट रीजन्स लाइक ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. जो एनिमल्स हॉट रीजन मीन्स जो गर्म एरिया में रहते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, उन्हें बहुत पानी की ज़रूरत पड़ती है, किसके लिए, ड्रिंक मीन्स पीने के लिए. सम एनिमल्स सच एज बफलोज एंड एलिफेंट्स वेड इन वाटर टू कूल ऑफ देयर बॉडीज. जो हमारे एनिमल्स हैं, जैसे बफलोज, लुक एट द पिक्चर, जो बफलोज क्या कर रही हैं,
पानी में नहा रही हैं, तो जी अपनी बॉडी को कूल करने के लिए, क्योंकि जी हॉट रीजन में क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कूल करने के लिए पानी में चले जाते हैं, जो ज़्यादा डूंगा नहीं होता, मीन ज़्यादा गहराई तक वो नहीं होता, उसमें चले जाते हैं जो जिसकी गहराई कम होती है। वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अब हमने किसके बारे में स्टडी किया था कि वाटर फॉर प्लांट्स को कितनी नीड है एंड एनिमल्स को, अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे कि सोर्स ऑफ वाटर, पानी हमारे पास आता कहाँ से है, पानी के सोर्सेज क्या है, साधन क्या है। लेट स्टार्ट। एलमोस्ट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। ये बोला है कि लगभग हमारा जो धरती का हिस्सा है, अर्थ का सरफेस है, वो किसके साथ कवर हुआ हुआ है, अर्थ वाटर के साथ। लुक एट द पिक्चर, से हम फोर उसमें डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस से इफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, हमने ऐसे अगर इसको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 part, 2, 3 and 4, देन 1 part ऑफ अर्थ वुड बी मेड ऑफ लैंड, रेस्ट 3 parts वुड बी मेड ऑफ वाटर। तो सिर्फ एक पार्ट है जो वो किसके साथ बना हुआ है, लैंड, जिस पे हम रहते हैं, लेकिन जो बाकी जो रह गए रिमेनिंग 3 parts, वो उस पर क्या है, वाटर है, मीन्स पानी है। इसलिए इन्होंने बोला कि उसका 3/4 सरफेस का ऑलमोस्ट क्या है, पानी से कवर हुआ हुआ है। मोस्ट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फाउंड इन सीज एंड ओशन। जो हमारा अर्थ पे वाटर है वो मोस्टली किस में मिलता है आपको, सीज में, जो ओशंस में, जिसमें ज़्यादा होता है। दे आर मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन अर्थ, सबसे मेन सोर्सेज सीज एंड ओशंस हैं धरती पे। हाउएवर वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर डायरेक्टली एज इट इज़ सॉल्टी, वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर सोर्सेज। जो सीज में, ओशंस में जो वाटर होता है, हम उसे पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एज इट इज़ सॉल्टी, क्योंकि वो क्या होता है, उसमें नमक होता है, वो हमारे लिए अनफिट है। वी ड्रिंक वाटर फ्रॉम फ्रेश वाटर सोर्सेज से, अगर हम जो हम पानी पीते हैं वो किससे पीते हैं, जो हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि कौन से फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं। रेन वाटर इज द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। जो रेन वाटर है, मीन जो बारिश का पानी है, वो नेचुरल सोर्सेज है फ्रेश वाटर का। नेचुरल मीन्स कुदरती है, वो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया, वो कुदरत ने बनाया है। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, सबसे जो प्योर वाटर की फॉर्म है वो क्या है, रेन वाटर है। रेन वाटर कलेक्ट्स इन रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो रेन वाटर है वो कि जो जब बारिश होती है तो पानी किस में कलेक्ट हो जाता है, वो पूरा रिवर्स में, नदियों में, झीलों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में हो जाता है। इट सीप्स इन टू द सॉइल एज ग्राउंड वाटर, फिर वहाँ पर वो क्या होता है, धीरे धीरे मिट्टी में मिक्स होकर नीचे चला जाता है, मीन्स नीचे अंडरग्राउंड इट कैन बी ड्रॉन। तो फिर हम जो धरती के नीचे पानी चला गया, उसको हम कैसे ऊपर लेकर आ सकते हैं, विद द यूज ऑफ वेल्स, जो खूह होते हैं, लुक एट द पिक्चर, वेल की पिक्चर है, और बाय यूजिंग ट्यूब वेल, जो आजकल ट्यूब वेल यूज हो रही हैं, एंड हैंड पंप, जो नलके होते हैं। फार्मर यूज ट्यूब वेल्स टू वाटर देयर क्रॉप्स, जो फार्मर है, किसान है, क्रॉप्स मीन्स फसलों को किसके थ्रू वो क्या देता है, वाटर देता है, जो फार्मर है, ट्यूब वेल के यूज से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।